वेलकम बैक गाइस, अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम तीन फास्टेस्ट फोन कंपेयर करने वाले हैं जो कि सबसे कम प्राइस में आपको मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स अदर ब्रांड्स भी हैं लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, यू नो दैट। तीन फोन, वन प्लस 12, रियलमी जी टी 5 प्रो एंड दी चीपेस्ट आईक्यू 12। तीनों में 8 Gen 3 है, कमाल का डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग भी है, कैमरा भी बहुत ही तगड़ा वाला है क्योंकि सारे लेटेस्ट ट्रेंड पे आ रहे हैं। पेरिस्कोप लेंसेज में दिया गया जिसमें आप 120x तक भी जूम परफॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में परफॉर्म करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे अगर आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है इन दी फ्लैगशिप किलर्स, क्या ये तीन फोन आपके लिए है कि नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन प्लस 12 से। ये वन प्लस का अभी तक का बिगेस्ट स्लैब फोन है, वाइडेस्ट फोन है, 6.82 राउंड डिस्प्ले है और सीरियसली गाइस बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं ना तो ये फोन आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। डिजाइन वाइज ये लाइक बोरिंग वन प्लस है जो आपने लास्ट ईयर भी देखा है। इस वजह से कोविड डिजाइन नहीं चेंज हुआ है, जस्ट यहाँ पे कलर का फर्क दिया गया है। वैसे इस फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, भारी है लेकिन ऐसा नहीं फील हो रहा है कि फोन एक साइड से बहुत ज्यादा लटक रहा है। रियलमी का देखो, GT 5 Pro ये रियलमी का ओल्ड डिजाइन है जहाँ पे वीगन लेदर, आई बिलीव रियलमी 7 Pro से फर्स्ट टाइम जो सन किस लेदर आया था ना, तो ये तब से स्टार्ट होगा। उसके बाद बहुत से फोन ऐसे आए जिसमें ऐसा डिजाइन है। कैमरा लेआउट आपने देखा है बहुत सारे प्रीवियस फोन्स में भी, आजकल के ओप्पो एंड वीवो में ऐसा ही डिजाइन ट्रेंड आ रहा है। ये फोन देखने में देखो अच्छा है, जो कलर है ना वो बहुत मैचिंग दिए गए, लाइक फ्रेम है और जो कैमरे का मॉडल है वो एकदम एक्सेंटेड है। चीपेस्ट फोन, मोस्ट अफोर्डेबल गेमिंग फोन, आईक्यू 12। ये देखो इन सबसे एकदम अलग डिजाइन है। ये कंप्लीट फ्लैट स्टेनलेस स्टील डिजाइन पे बनाया गया है, कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले है और इसका वेट भी अंडर 200 ग्राम है। तो अगर आप एक सीरियसली लाइटेस्ट फोन चाहते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टाइम यूसेज करना हो गेमिंग या कैमरा व्हाटएवर, तो आईक्यू 12 में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है। प्लस ये कैमरा मॉड्यूल कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये नया डिजाइन फील हो रहा है। अब तीनों फोन में 8 Gen 3 है, तीनों में क्लॉक स्पीड भी सेम है। पहले आपको मैं बेंचमार्क दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्या है। नंबर्स देखो थोड़ा आगे पीछे सबका होगा। थ्रॉटलिंग की बात कर लेते हैं, अगर आप कोई ऐसा टास्क करने हैं जो काफी लंबे समय तक हैवी सीपीयू इंटेंसिव हो तो भी आप रिजल्ट आपके सामने है। मैंने अराउंड 15 मिनट सब में बेंचमार्क चलाया था, सॉरी थ्रॉटलिंग। तो वन प्लस में जो थ्रॉटलिंग है वो जस्ट 10 मिनट के आसपास ही स्टार्ट हो गई थी और Realme और IQ में ये 15 मिनट के बाद है। एक्चुअल गेमिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम डिफरेंट तरह के गेम प्ले किए हैं। गेम पर क्या है, देखो गाइस ये तीनों फोन बड़े ही अच्छे चलेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गेम में कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई हीटिंग इशू नहीं आ रही है, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंट तीनों फोन में है। बट अब एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो एक्सपीरियंस जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करते हैं तो IQ में सबसे अच्छा मिल रहा है, बिकॉज ये डिजाइन इस तरह किया गया जैसे कि बैक पैनल है, हल्का सा कर्व है तो होल्ड करने में आपको ज़्यादा चुभेगा नहीं। फ्लैट डिस्प्ले तो यहाँ पे कोई घोस्ट टच वाले इश्यूज नहीं होगी, जो कभी कभी एक्सीडेंटल साइड टच प्रेस हो जाता है ना, तो वो आपको वन प्लस और रियलमी में थोड़ी सी ज़्यादा मिली थी। तो अगर आप सीरियसली जस्ट प्रो गेमिंग टर्म्स में सोच रहे हैं तो आपको जाना चाहिए IQ 12 में, अदरवाइज वन प्लस और रियलमी क्या है कि गेमिंग अच्छी करते हैं बट ये प्योरली गेम के लिए डिजाइन नहीं किए गए। सेटअप तीनों फोन के ऐसा नहीं होंगे बहुत जलवेदार हैं, वन प्लस का और IQ का ज़्यादा बेटर लग रहा है बिकॉज रियलमी में अल्ट्रा वाइड का थोड़ा कुछ खेल आपको लग सकता है। कैसी क्वालिटी, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम देखो कलर्स पे आ जाएं तो यहाँ पे भी गाइस अगेन ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अब चूंकि तीनों फोन अच्छे लेवल के हैं तो क्वालिटी तो देखो सब में ठीक आएगी, लेकिन अगर आपको नेचुरल शॉट ज़्यादा पसंद है तो वन प्लस के फोन में क्या है कि लाइक प्योरली नेचुरल आ रहा है। इवन तो ऑप्शन सब में मिलता है, आप चाहे तो उसको विविड और टेक्स्चर पर लगा सकते हैं, बट क्वालिटी आपको वन प्लस में नेचुरल ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अदर फोन्स में कह सकते रियलमी IQ में स्लाइटली बूस्टेड है। इवन तो हमने रियलमी GT 5 Pro पहले ट्राई किया था लेकिन जब हमने वन प्लस साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है कंपेयर टू रियलमी के, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी स्लाइट वेरिएशन सब में होता है। ब्लू लाइट में क्या है, मुझे जो सबसे पर्सनली अच्छा लग रहा है वो है वन प्लस, बिकॉज यहाँ पे अगेन नेचुरल लुक है, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं किया जा रहा है, ISO नहीं बढ़ाया जा रहा है कि फोटोज आपकी ज़्यादा मोर यू नो पेंटेड जो ज़्यादा लगे। IQ एंड रियलमी भी ठीक है बट मुझे पर्सनली वन प्लस ज़्यादा सही लग रहा है। और आप अल्ट्रा वाइड के भी शॉट देख सकते हैं लो लाइट में, तो अल्ट्रा वाइड में लो लाइट अगेन वन प्लस में ज़्यादा बेटर निकल गया रहा है। रियलमी में क्या है कि जस्ट 8 MP है तो आपको उतना बेटर अल्ट्रा वाइड लो लाइट नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात कर लेते हैं, जो सबसे लेटेस्ट सेंसर आज के 50 MP के अल्ट्रा वाइड आ रहे हैं वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आप IQ 12 का शॉट देख रहे हैं, यहाँ पे 50 MP अल्ट्रा वाइड है तो उसका डिटेल ज़्यादा बेटर निकल जाएगा 48 MP वन प्लस के शॉट से, क्योंकि शेडोज़ में भी डिटेल अच्छी है, ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं आ रही है तो वो बेटर है। रियलमी का क्या है, जस्ट 8 MP है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
रियर कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें तो IQ में पोर्ट्रेट का इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, एजेस पे डिटेक्शन सही है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही अच्छा है। वन प्लस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन फेस में आप देखेंगे डिटेल्स थोड़ी सी मिस जा रही है, और रियलमी में क्या है कि फेस में ब्राइटनेस अननेसेसरी बढ़ा दी जा रही है, ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत ब्राइट किया जा रहा है। तो बेस्ट पोर्ट्रेट जो निकल गया अगेन वो आप IQ 12 के फोन से ले सकते हैं रियर कैमरे से। जमाना का इस पेरिस्कोप कहा गया है, तीनों फोन में पेरिस्कोप लेंस दिए गए हैं, किसी में 64 है, किसी में 50 है। ओके, अगर आप अपटू 3x शॉट लेते हैं तो तीनों फोन में आपको अच्छे डिटेल मिलेंगे, बिकॉज सब सेंसर ही वैसा है। बियॉन्ड आप जाएंगे तो 10x तक भी आप सही शॉट ले सकते हैं, बट अगर आप एज फॉर एज अपटू 100x तक जाते हैं तो यहाँ पे देखो AI का रोल ज्यादा आ जाता है, यानी कि जो टेक्स्ट प्रिडिक्शन होता है ना, कि जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको किस तरीके से इनहेंस किया जाता है, तो सबसे बेटर रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो IQ में ज्यादा है कंपेयर टू वन प्लस एंड Realme के। आजकल क्या नया ट्रेंड आ गया है कि पेरिस्कोप लेंस यूज करके ही मैक्रो शॉट देने की कोशिश की जा रही है, वैसा रिजल्ट आप पाएंगे IQ में एंड दी Realme में। यूजिंग पेरिस्कोप आप 3x तक जूम कर सकते हैं, दोनों फोन के रिव्यू मैंने आपको दिखाया था, और आप बढ़िया शॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो होता है अल्ट्रावाइड से, जैसे कि वन प्लस में दिया गया। आप जैसे सब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं ना, वो अपने आप ऑटो मोड में डिटेक्ट कर लेता है और मैक्रो मोड में स्विच कर जाता है, जैसे कि आईफोन एंड गैलेक्सी में होता था। क्लोजअप फोटोग्राफी ज्यादा करते हैं तो आपको वन प्लस 12 में बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। फोटो से गाइस बात हो गई, आपने एग्जैक्ट रिजल्ट देख ली, अब आ जाते हैं वीडियोस पे। अब प्रो फोन्स हैं, प्रो प्रोसेसर है, तो रिजल्ट सिर्फ प्रो वाला होना चाहिए। सबसे पहले मैक्स रेजोल्यूशन सपोर्ट, तीनों फोन में आप अप टू 8K रिजोल्यूशन की वीडियो बना सकते हैं। 8K में आपको थोड़ा सा इश्यूज दिख सकता है, लाइक उतना HDR बेटर काम नहीं करता है, रिजोल्यूशन तो ठीक है लेकिन उतना स्मूथ रिजल्ट नहीं आता जैसे कि आपको सैमसंग मिलता है, राइट। और लोग आते हैं 4K 60 की वीडियोस आप तीनों फोन से बना सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो वन प्लस रियलमी थोड़े बेटर आपको लग सकते हैं। IQ हमने पहले भी जब कंपेयर किया था विद सैमसंग एंड दी आईफोन एप्पल 15 प्रो मैक्स, तो वहां पे भी नजर आ गया था। तो IQ वीडियोस के टाइम में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, हल्की सी जिटर भी आपको मिलेगी और सुपर स्मूथ नहीं है। प्लस एक एडिशन की बात करें तो आप वन प्लस एंड रियलमी दोनों में आप डॉल्बी विजन HDR 10 प्लस के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30 FPS रेजोल्यूशन में। ऑफ कोर्स उसको आपको कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बट उससे आपको थोड़ा सा बेटर कलर कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि इस बार एक मेजर चेंज जो किया गया है बोथ वन प्लस एंड रियलमी में, ये लाइक आप ये देख रहे हो कि दोनों फोन एक तरीके से क्यों सेम परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों फोन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। दोनों फोन में फ्रंट मेगापिक्सल बम किया गया है, और सेल्फी फोटोज की बात करें तो सबसे बेटर सेल्फी जो निकल के आ रही है वो मुझे वन प्लस की लग रही है। रियलमी भी ठीक है, नेचुरल शॉट भी आ रहा है, लेकिन वन प्लस का थोड़ा कलर साइंस ज्यादा बेटर लग रहा है। IQ में गए कि सेल्फी ठीक है, नॉट बैड। वीडियोज की बात करें, देखो वन प्लस में फर्स्ट टाइम आप फ्रंट कैमरे से 4K 30 FPS की वीडियो बना सकते हैं, एंड रियल में भी सिमिलर तरह का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन IQ में अगेन अभी भी आप 1080p पे ही लिमिटेड है, बिकॉज ये फोन बेसिकली गेमर्स के ज्यादा डिजाइन किया था ना, तो इसलिए ये लोग अदर चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप फ्रंट कैमरे ज्यादा रील्स एंड वो सब बनाते हैं तो आपको वन प्लस पे जाना चाहिए, बिकॉज इसका वीडियो थोड़ा ज्यादा बेटर है कंपेयर टू रियलमी GT5 Pro के। यहाँ पे देखिए कहानी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है। अब इस साल का ट्रेंड आप देख रहे हैं, लाइक जितने भी फोन आपको दिखाई पड़ेंगे 50,000 के आसपास के रेंज में आपको LTE टेक्नोलॉजी समय मिलेगी, और पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, भले ही वो लॉजिकली कुछ मोमेंट की, लेकिन यू नो ये चीज़ यहाँ पे बम की जा रही है। ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप स्पेक्स देखेंगे, क्योंकि स्पेक्स सभी फ़ोन के बहुत ही दमदार हैं। IQ में क्या है, देखो एकदम सुपर फ्लैट डिस्प्ले है, तो इसका एक्सपीरियंस आप जानते हैं, अगर आप आईफोन चला रहे हैं या आपको जस्ट मीडिया कंज्यूम करना है तो ये डिस्प्ले आपके लिए बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ब्राइट भी है और रिफ्रेशेट भी इसका बहुत ही अच्छा है, 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, काफ़ी कूल है। हाँ, थोड़े से बेजे आपको फील हो सकते हैं कंपेयर टू कर्व डिस्प्ले के। रियलमी के देखो सीन क्या है ना कि ये डिस्प्ले भी बहुत ही सही है, 144 हर्ट्ज है, LTPO है, बट यहाँ पे ऐसा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि अप टू 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस में जा सकता है। कर्व डिस्प्ले है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका बहुत ही ज़्यादा है, लाइक तीनों फोन का पर्सन में, तो ऐसे अगर आप जस्ट कैशली ब्राउज करते हैं तो रियलमी के इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। मूविंग फर्दर, वन प्लस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है, सबसे पहली चीज़ ये सबसे वाइड डिस्प्ले, ऑफ कोर्स फोन मैंने बोला था भारी, लेकिन जब आप फोन देखने लगते हैं ना तो जितना बड़ा दिखता है उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। रिजोल्यूशन वाइज यहाँ पे आपको 2K का डिस्प्ले मिलता है, जबकि इन दोनों फोन ने आपको जस्ट 1.5K मिला था, तो ये आपको ज़्यादा बेटर क्रिस्प रिजल्ट दे सकता है।
प्लस ही डिस्प्ले सॉर्ट ऑफ क्वाड कर मान सकते हैं, नॉट लाइक द ऑन 90, हल्का सा ये टॉप एंड बॉटम में भी। प्लस ऑन द टॉप यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, जो मोस्ट ड्यूरेबल ग्लासेस ऑलरेडी हमने टेस्ट किया भी है। कुछ बातें हम सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या अच्छा है। देखो बेस्ट पार्ट ये है कि तीनों जो डिवाइस हैं वो आपकी एंड्रॉइड 14 से आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुई हैं। तीनों फोन में आपको 3 साल का मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, प्लस 1 एडिशनल सिक्योरिटी पैच है। वन प्लस अप टू 24 GB रैम में भी आ रहा है, और बाकी दोनों फोन आपको 16 GB 12 GB रैम से मिलते हैं। वर्चुअल रैम एस वेरी कर सकती है वेरिएंट के हिसाब से। एंड सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस गाइस, देखो जैसे कि रियलमी देख लो और वन प्लस देख लो, कोई अंतर नहीं है। अगर आप सेटिंग वेटिंग खोलेंगे ना, आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस मिलता है। आईक्यू में क्या है, लाइक फन टच हुआ था तो यहाँ पे अलग हिसाब मिलता है। तो अगर आप वन प्लस रियलमी लेते हैं, दोनों में आपको सेम एक्सपीरियंस मिलता है। आईक्यू मुझे थोड़ा सा यूसेज वाइज ज्यादा फास्ट लगता है, बिकॉज यहाँ पे जो एनिमेशन होता है ना, इसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने का, मिनिमाइज करने का, वो बहुत ही फास्ट होता है कंपेयर टू अदर फोन्स के। मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे ना थोड़ी सी फ्लूइडिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर वन प्लस रियलमी की बात करें तो वन प्लस में अगेन एनिमेशन देखो कि थोड़ा सा स्लो है, जैसे देखा आपने, हल्का स्लो है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ज्यादा है, जबकि रियलमी एकदम क्विक क्विक चल रहा है। तो फास्टेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे, देन रियलमी, देन उसके बाद वन प्लस में। अब इतना पावरफुल प्रोसेसर एंड तगड़ा कैमरा यूज करेंगे तो बैटरी भी अच्छी मिलनी चाहिए ना। उसकी बात कर लेते हैं बैकअप का क्या सीन मिलता है। देखो कैपेसिटी लगभग तीनों फोन में इक्वल है, 5,500 है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बॉक्स में चार्जर भी सब में मिलता है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 100 है। 50 वॉट की ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आईक्यू में कोई सपोर्ट नहीं देगा। एंड बैकअप की बात करें, देखो फ्रेंकली बताऊँ, तीनों फोन में स्पेक्स इतने ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि ये लंबा बैकअप देते ही नहीं है। सुबह से आप इसको रात तक आसानी से ले जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। 2 दिन आप सोच रहे होंगे ना तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और 144 Hz, इतना पावरफुल CPU, 2K डिस्प्ले, तो ये चीज़ें चलती नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे। तो वन प्लस का स्पीकर मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, इसका बेस बहुत ही अच्छा है और ये लाउडेस्ट भी है। उसके बाद रियलमी के नंबर आता है, ये थोड़ा सा ना शार्प, इसमें आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है, बेस काइंड ऑफ इक्वल है लेकिन उतना बेटर जितना कि वन प्लस मिला। आईक्यू में स्पीकर ठीक है, नॉट दी बैड डेमो आपको वीडियो के अंत में आसानी से मिल जाएगा। प्राइस फैक्टर देखा जाए तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। आईक्यू क्या है, आपको सबसे कम दाम में मिलेगा, ये 50,000 में मिलता है, और आप अच्छा खासा 12 GB रैम और स्टोरेज और अच्छा CPU पा जाते हैं। उसके बाद रियलमी का नंबर है, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग मिल जा रहा है, ये ना ये थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। फ्रंट कैमरा इसका थोड़ा सा अच्छा मिल जा रहा है कंपेयर टू इसके, लेकिन इसका रियर कैमरा अगेन थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं। यहाँ पे कर्व डिस्प्ले, अगर आप थोड़ा सा फैंसी स्टफ चाहिए नॉन गेमर्स के लिए, तो ये आपके ठीक है। वन प्लस का क्या है, देखो इन तीनों में देखा जाए तो ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है और सब पैकेज भी थोड़ा ज़्यादा बेटर इससे लग रहा है। अब ये चीज़ें आपको देखने, अगर आप वन प्लस चलाना चाहते हैं विद द ओल्ड बोरिंग डिज़ाइन, तब तो आप इसको ले सकते हैं। सबसे कॉस्टली भी आपको 60-65 तक ये फ़ोन पड़ता है, और इतनी ज़्यादा रैम है उसका आप लेके पता नहीं क्या करेंगे, तो वो चीज़ आपको देखने की बात है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया तीनों फ़ोन को 1 वीक यूज़ करने के बाद मुझे क्या लगा है। बाकी आप कमेंट से बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अगर आप नहीं भी लेते तो कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है जो मैंने आपको बताया, या लेने वाले हैं तो कौन सा लेने वाले हैं। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।